हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एजेंसी की परिभाषा एवं आवश्यक तत्व और एजेंट तथा प्रधान के संबंध में सामान्य जानकारी। डेफिनेशन ऑफ एजेंसी, एसेंशियल एलिमेंट्स और एजेंट्स एंड प्रिंसिपल्स। एजेंसी क्या है? एजेंसी एजेंट एवं प्रधान के बीच एक संबंध है जिसका जन्म स्पष्ट या गर्भित ठहराव से होता है। इस ठहराव के द्वारा प्रधान एजेंट को अपनी ओर से कार्य करने या अन्य पक्षकारों के साथ लेन देन में अपना प्रतिनिधित्व करने तथा उनके साथ अपना यानी प्रधान का अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। अब आता है एजेंसी के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एजेंसी। उसमें पहला आता है संबंध का नाम। एजेंसी एजेंट तथा प्रधान के बीच संबंध का नाम है। सेकंड आता है ठहराव का जन्म। एजेंसी का जन्म एजेंट तथा प्रधान के बीच ठहराव से हो सकता है। इसके लिए किसी अनुबंध का होना अनिवार्य नहीं है। ऐसा इसलिए है कि अवश्यक व्यक्ति एजेंट बन सकता है। थर्ड आता है स्पष्ट या गर्भित ठहराव। एजेंसी का ठहराव स्पष्ट या गर्भित ठहराव से हो सकता है। इसका लिखित होना अनिवार्य नहीं है। फोर्थ है प्रधान की अनुबंध करने की क्षमता। एजेंसी ठहराव में प्रधान में अनुबंध करने की क्षमता होना अपरिहार्य है। एजेंट में अनुबंध करने की क्षमता नहीं हो तो भी एजेंसी वैध हो सकती है। फिफ्थ है हमारा पॉइंट, प्रतिफल अनिवार्य नहीं। एजेंसी अनुबंध में किसी मूल्यवान प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। प्रधान द्वारा एजेंट के निःशुल्क कार्यों के से बाध्य होने के लिए सहमत होना ही एजेंसी ठहराव का प्रतिफल माना जाता है। सिक्स है स्वतंत्र सहमति। एजेंसी ठहराव में पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। एजेंसी ठहराव को इसलिए सहमति जन्य संबंध या कंसेंशुअल रिलेशंस भी कहते हैं। सेवंथ आता है वैधानिक संबंध स्थापित करने का भाव। प्रधान एजेंट की नियुक्ति इस भावना एवं इरादे से ही करता है कि एजेंट उसका तृतीय पक्षकारों के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करवाएगा। अब आता है एजेंट तथा प्रधान, एजेंट एंड प्रिंसिपल्स। एजेंट वह व्यक्ति है जिसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने किसी कार्य को करने अथवा किसी अन्य या तृतीय पक्षकार के साथ व्यवहार करने के लिए अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। एजेंट जिस व्यक्ति का कार्य या प्रतिनिधित्व करता है उस व्यक्ति को प्रधान या नियोक्ता या मालिक कहते हैं। एजेंट वह व्यक्ति है जिसे प्रधान द्वारा तृतीय पक्षकारों के साथ अपने यानी प्रधान के अनुबंधात्मक संबंध कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस के स्थापित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार एजेंट प्रधान एवं तृतीय पक्षकारों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है तथा उनके बीच अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करता है। इसका मतलब है कि एजेंट और तृतीय पक्षकार के बीच यह अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करता है। एजेंट अपने प्रधान के सभी कार्य उसके द्वारा प्रदत्त
स्पष्ट या गर्भित अधिकारों एवं निर्देशों की सीमा के भीतर रहकर ही करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।